हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। iOS 17 के मैं आपको 5 हिडन फीचर्स बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगे। मैं शर्त लगाता हूँ ये फीचर आपको नहीं पता। आपको सारे के सारे फीचर्स ध्यान से देखने हैं, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला फीचर आने वाला है हमारा फोटोज ऐप से रिगार्डिंग। iOS 17 में कैमरा इतना स्मार्ट हो गया है ना, iOS 17 में आईफोन का कैमरा, कि जिस किसी चीज़ की हम फोटो क्लिक करते हैं वो फोटोज ऐप में जाकर हमें बहुत ही कमाल फीचर्स दे रही है। सो लेट अज्यूम ये मेरे पास फोटो मैंने क्लिक की है कैट की। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा आइकन देखने को मिल रहा है जिससे मैं इस कैट की डिटेल्स निकाल सकता हूँ इस आइकन के ऊपर क्लिक करके। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मुझे दिख रही है साइबेरियन कैट, और इसको मैं अपने सफारी के ऊपर और इसके रिजल्ट्स देख सकता हूँ, और सारा का सारा इसके बारे में बायोडाटा मुझे सफारी में देखने को मिल जाएगा जस्ट इस बटन से। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है लॉन्ड्री केयर के रिगार्डिंग। किसी टैग की फ़ोटो क्लिक करते हैं किसी कपड़े की, तो हमें यहाँ पर अपने कपड़ों पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ओके, मशीन वॉश कोल्ड कुछ इस तरीके से। सो हमें इन चीज़ों का या फिर ये जो साइंस बने रहते हैं हमें इन साइंस का पता नहीं है। हम इस बटन के ऊपर क्लिक करके लॉन्ड्री केयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें जो है हमारा सफारी ब्राउज़र में सिंगल सिंगल चीज़ के बारे में डिटेल बता दी जाएगी। फोटोज़ ऐप में भी और सफारी ब्राउज़र में हम इनका और ज़्यादा बायोडाटा ले सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फीचर है वो हमारा 3D टच से रिगार्डिंग है। जैसे कि गाइज आप जानते हो कि हमारे फ़ोन में अब जो है 3D टच ऐसा लगता है वापस आ गई है, लेकिन ऐसा है कि उन्होंने हैप्टिक टच को फास्ट बनाया है जिसके कारण वो ऐसा फील होता है कि 3D टच है। सो इसके लिए सेटिंग्स में जाओ, फिर जाओ एक्सेसिबिलिटी में, फिर जाओ टच वाले सेक्शन में, और यहाँ पर आपको हैप्टिक टच का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको फास्ट के ऊपर सेलेक्ट कर लो डिफ़ॉल्ट से हटाकर फास्ट, और यहाँ से आप महसूस कर सकते हो कि आपकी जो 3D टच है वो आपको ऐसा फील होगा कि वापस आ गई है। तीसरा जो फीचर है वो भी बहुत कमाल का है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजे से वाला है थोड़ा। तो आपको इस फीचर में करना क्या है, जैसे हम अपने होम स्क्रीन में एप्लीकेशंस को रीअरेंज करते रहते हैं, सिलेक्ट करके पकड़ के दूसरी साइड ले जाते हैं, तो मान लो कि हमें इस साइड अपनी होम स्क्रीन की सेटिंग पसंद नहीं आती, तो हमें फिर से चारों की चारों ऐप्स पकड़ के वहीं लेके जानी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा आप क्या करोगे, अपने फ़ोन को पकड़ोगे और ऐसे शेक करोगे। जैसे आप शेक करते हो आपको आपके आईफोन में अनडू मूव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर अनडू कर दो तो आपकी चारों ऐप्स जितनी भी आपने पकड़ी हुई होंगी, आपने रीअरेंज करी होंगी, वो अपनी जगह पर चली जाएंगी। फीचर मुझे पर्सनली पसंद आया, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है सीरी का। सीरी अब हमारे जो नोटिफिकेशंस है वो रीड करेगी स्पीकर से लाउडली। अगर आप इस जो ऑप्शन को बंद करना चाहते हो तो आपके ऑप्शन बंद ही रहेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये फीचर ऑन हो जाए, इसका मैसेज आया, क्या मैसेज आया, सीरी पढ़ के बता दे। पहले ये फीचर हेडफोन्स के लिए सीमित था, लेकिन अब ये जो है अब आईफोन बिना हेडफोन्स के स्पीकर के ऊपर लाउडली सभी को सुना देगा कि मैसेज क्या है। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर जाओ एक्सेसिबिलिटी में, फिर जाओ सीरी वाली सेटिंग्स में, यहाँ पर बॉटम में, और फिर यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा अनाउंस नोटिफिकेशंस ऑन स्पीकर, ये ऑप्शन ऑफ होगा, इसको ऑन कर लो। और यहाँ पर आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो कि आप किस एप्लीकेशन में इसको ऑन करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। आप जिस भी ऐप पे, व्हाट्सएप पे, फेसटाइम में, आई मैसेज में, जिस किसी भी एप्लीकेशन में इसको ऑन करना चाहते हो कर लो, और आपको जो है ये नोटिफिकेशंस अनाउंस करवाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत कमाल का फीचर है, वो है प्राइवेट ब्राउजिंग के साथ रिगार्डिंग। सफारी में हमें जो है प्राइवेट टैब का ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर, और अब जो है एप्पल ने प्राइवेट टैब्स को लॉक कर दिया है। ऐसा ऑप्शन आ गया है कि अब हमारे फ़ोन में टच आईडी या फेस आईडी लॉक इनेबल्ड है, तो हमारे जो प्राइवेट टैब्स रहेंगे जो हमने ओपन कर रखे होंगे वो लॉक रहेंगे, जब तक हम अपनी फेस आईडी वेरीफाई नहीं करेंगे वो अनलॉक नहीं होंगे। तो ये कमाल का फीचर है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया कि हमारी जो प्राइवेट ब्राउजिंग है वो हमारे तक ही सीमित रहे, किसी को पता ना चले। सो दिस वॉज द वीडियो, आपको ये फीचर्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।